गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक रिवीजन क्लास ले रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, ताकि कुछ बेसिक थिंग जिन बच्चों का नहीं कवर अप वो भी उनको भी नॉलेज मिल जाए, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए एक एडवांटेज है, वापस से एक्सपीरियंस मिल जाएगा। राइट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? हिंदी में वी यूज टू से लेखांकन के सिद्धांत। जैसे हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है ना, कई इंसान होते हैं सर्टेन प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, है ना, कुछ भी हो जाए हमें ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने ही करने, हम ये करेंगे ही करेंगे। राइट, इन द सेम मैनर अकाउंट्स में भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मतलब विदाउट अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स आप अकाउंट सोच भी नहीं सकते। अकाउंटिंग टर्म्स में क्या था, आपने अलग अलग टर्म सीखे, असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, रिसीट क्या है, पेमेंट क्या है। इफ आई टॉक अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, द मीनिंग इज रूल्स एंड रेगुलेशंस। आखिर अकाउंट्स किसके ऊपर बेस्ड है, कैसे अप्लाई होता है सर, कैसे हम अकाउंट्स में रूल्स अप्लाई करते हैं, क्या हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्या इंडिया में अलग बनते हैं, अमेरिका में अलग, ऑस्ट्रेलिया में अलग, अमेरिका में अलग, नहीं, जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हर जगह क्या रहते हैं बेटा, सेम। क्या रहते हैं हर जगह, सेम। कुछ और बच्चों ने भी ज्वाइन किया है, अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेखांकन के सिद्धांत। इट मींस जो अकाउंट्स है ये सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर बेस्ड है, आप अपने मन से नहीं कर सकते, नॉट एट ऑल पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है बच्चों, देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके ऊपर अकाउंट्स बेस्ड है। ठीक है, तो अकाउंट्स किसके ऊपर बेस्ड है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो भी एंटायर अकाउंट्स है आपका, ये सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर बेस्ड है, जिसके बिना आप सोच भी नहीं सकते कि हम अकाउंट्स कर पाएंगे। देखिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है बीचों बीच, क्या आप में से कोई बच्चा, गर्ल्स में से ये क्या कर सकते हैं बेटा, डिक्टेट, क्या लिखा है ये वर्ड, बोल सकता है कोई वर्ड जिसके ऊपर नीचे में अंडरलाइन कर रहा हूं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वेरी गुड बेटा, इट मींस व्हाट, ये जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में, आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट वाइड है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, पूरे वर्ल्ड में हर जगह एक्सेप्टेबल है। हाँ, छोटा मोटा चेंज दिख सकता है, छोटा मोटा चेंज आपको दिख सकते हैं, वो सब हम रीड आउट करते हैं अभी के अभी। चलिए, एज वी नो टुडे ह्यूज कंपटीशन इज देयर इन द मार्केट, बहुत टिपिकल एक कंपटीशन में रह रहे हैं, जहां अकाउंट्स मेंटेन करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, भले हॉस्पिटल हो, भले कॉलेज है, स्कूल है, मंदिर है, मंदिर तक के अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, जो बड़े बड़े सिद्धि विनायक और मंदिर है, बिना अकाउंट्स के आप सोच ही नहीं सकते बेटा, कैसे यहाँ पे हिसाब किताब होता है, वी हैव टू अप्लाई प्रॉपर अकाउंट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। चलिए अब ये सब बहुत सारी बेसिक बातें हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये लिखी है, जो रूल्स हमने बनाए हैं इसको हम गैप नाम से भी कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज आल्सो नोन एज गैप। गैप बोले तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन जनरली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एज जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग डिफरेंट अकाउंट्स। यानी अकाउंट्स बनाने तो कुछ गाइडलाइंस तो फॉलो करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइड किए, दोनों आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, चेक कीजिए, दोनों आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहला क्या दिख रहा है बेटा, अगेन यू हैव टू, आई थिंक सब सही चल रहा है बेटा, बराबर, चलिए चेक कीजिए, नहीं, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम है तो आप बताना। पहला देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने किस में डिवाइड किया, अकाउंटिंग कंसेप्ट, सेकेंड वन इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग बच्चों, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में। पहला क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, बताइए जल्दी से, क्या दिख रहा है पहला आपको स्क्रीन पे, यस बच्चों, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस, इसका क्या मतलब है सर, ये एक बहुत लंबे टाइम से जो पुराने कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, ठीक है ना, पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन जो हर कोई फॉलो कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है हम भी फॉलो कर रहे हैं, रूल्स हैं ये, बेसिकली प्रॉपर रूल्स हैं जिसके ऊपर अकाउंट्स बेस्ड है, ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हैं, और जितनी भी बिजनेस एंटिटीज हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें ये अप्लाई करना होता है व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स। तो सर ये सेकंड वन क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा सेकंड वन, क्या दिख रहा है सेकंड वन, अकाउंटिंग कन्वेंशन। सर ये क्या है, कन्वेंशन आर द आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस being followed by business enterprises over a period of time.
अब देखिए वैसे तो इन शॉर्ट अगर कहूं चैप्टर एट ही है जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेखांकन, अकाउंटिंग के सिद्धांत, अकाउंटिंग के सिद्धांत। क्या सिद्धांत है अकाउंट्स के, जिसके ऊपर अकाउंट्स बेस्ड है। कहने को हम इसके दो पार्टीशन कर देते हैं। पहला पार्टीशन है अकाउंटिंग कंसेप्ट, सर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, और दूसरा जो आपको अकाउंटिंग कन्वेंशन दिख रहा है, ये एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद जो बिजनेसमैन है, जो अकाउंटेंट्स हैं, उन्होंने कुछ नया डेवलपमेंट किया कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये कन्वेंशन भी अप्लाई किया जाना चाहिए आपके बिजनेस में, ताकि प्रॉपर अकाउंट्स बना सके, प्रॉपर रिजल्ट कैलकुलेट कर सके। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, सर इनमें डिफरेंस है क्या? थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा तो है ना। कैसे? अकाउंटिंग कंसेप्ट जो आपको दिख रहा है ये पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड अप्लाई हो रहे हैं, जितने भी बिजनेस मार्केट में रहना है सभी इसके ऊपर बेस्ड है। और कन्वेंशन क्या है सर? अब मान लीजिए 50 साल से 40 साल से अकाउंटेंट्स हैं जो अपना इतना नॉलेज दे चुके हैं कि आखिर अकाउंट्स में और क्या नए नए चेंजेस आने चाहिए, तो वो इसमें और अपडेशंस कर देते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर एप्स है, पुरानी चलती आ रही थी, नई नई एप्स डेवलप हुई एक्सपीरियंस के बाद, राइट? अगर इन शॉर्ट बच्चा कहे सर हम एक ही नाम बोल दे अकाउंटिंग प्रिंसिपल चल सकता है, यस चल सकता है। अब मेन कहानी स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, जल्दी बताइए बेटा जल्दी से, यस क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इतना इजी है, दो मिनट में खत्म करेंगे, टाइम देख लो घड़ी में। सर जब भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं हमें ये मानना है, एक तरफ बिजनेसमैन एंड सेकंड साइड बिजनेस। बिजनेसमैन इज डूइंग बिजनेस, ठीक है? बिजनेसमैन एक नेचुरल पर्सन है सर, रियल का लिविंग ह्यूमन बीइंग है। और जो बिजनेस है वो क्या है सर? एक आर्टिफिशियल, एक इकोनॉमिक यूनिट है जो हमें पैसा कमा के देती है। क्या है ये? इकोनॉमिक यूनिट, राइट? अलग अलग नाम से हम अलग अलग बिजनेस ओपन करते हैं, सब आर्टिफिशियल, और एक ही पर्पस है प्रॉफिट कमाने का साधन। अब बात आती है बिजनेसमैन, बिजनेस में जो भी मनी या मनी वर्थ लगाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए बताइए जल्दी बताइए। बिजनेसमैन मनी बिजनेस में जो भी लगाता है कैपिटल। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सर ये तो अपने अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा है, लेकिन इसका आविष्कार कहां से हुआ? अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, जहां पर आपको डिटेल में पता चल रहा है कि बिजनेसमैन बिजनेस में मनी या मनी वर्थ जो भी इन्वेस्ट करते हैं दैट इज नोन एज कैपिटल। और अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ करता है बच्चों, अगर यस दैट विल बी कंसिडर एज ड्रॉइंग्स, राइट बेटा? और जो ये कैपिटल है, ये जो कैपिटल है ये बिजनेस की क्या बन जाती है? परमानेंट लायबिलिटी, क्योंकि जो पैसा आपने अपने बिजनेस में लगा दिया अब आप वापस नहीं ले सकते। केवल एक ही कंडीशन में ले सकते हैं, जब आप अपना बिजनेस क्या कर देंगे? वाइंड अप। अदरवाइज अगर यस अगर आपने अपने बिजनेस में 5 crore लगा दिए अब वापस नहीं मिलेगा, डोंट वरी, ये पैसा आपका है। लेकिन पड़ा किसके अंदर है? बिजनेस के अंदर। अकाउंट्स हमेशा किसके हिसाब से बनाते हैं बच्चों? अकाउंट्स किसके हिसाब से बनाते हैं, बिजनेसमैन या बिजनेस? जल्दी बताइए जल्दी। यस business business अभी recent में one of my friend has started the business, तो वो दिन भर जितने भी invoice हैं, GST हैं, ये सब वो check करते रहते हैं अपने iPad पे, मैंने कई बार देखता हूँ। यही concept है बेटा। और उन्होंने start किया अपना business around 5 lakh rupees invest किया, तो वो 5 lakh rupees उनके business के लिए क्या होगा? Capital। और वो क्यों invest किया? ताकि वो और money profit earn कर सके। Simple, very good, ठीक है बेटा, clear है? हमेशा अकाउंट्स बिजनेस के हिसाब से बनाने। आपकी घर की लाइफ अलग है, बिजनेस की कहानी अलग है, अकाउंट्स मेंटेन करते समय हमेशा बिजनेस के प्रस्पेक्टिव से बात करनी है, ठीक है? और सच में बिजनेस कुछ भी नहीं, एक इकोनॉमिक यूनिट है, आर्टिफिशियल यूनिट जो आपको मनी अर्न करके देगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 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 कौन सा दिख रहा है स्क्रीन पे, जल्दी बताइए बेटा। यस जल्दी, मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या एक्सप्लेन करता है अकाउंट्स के अंदर कि भाई सिंपल सी बात, ओनली Those transactions can be recorded in accounts. Only those transactions can be recorded in accounts which are having dash. बताइए, which are having yes, which are having monetary value. यानी accounts बहुत ही selfish subject है, बहुत ही मतलबी, केवल पैसे की बात करता है। आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है गुड्स की, doesn't matter।
आप अच्छा बनाओ बेकार बनाओ बिल्कुल मैटर नहीं करता, केवल मनी मनी मनी, ओनली लक्ष्मी माता से रिलेटेड सब्जेक्ट है ये, सीधी सी बात है। आप अकाउंट्स में क्वालिटी को कैसे जज कर सकते हो कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है गुड्स की? आप नहीं दिखा सकते बेटा, आप केवल किसे दिखाएंगे? सर क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी सेल किया, कितना क्वांटिटी परचेज किया, एक्सपेंस कितना हुआ, परचेज कितना किया, सेल्स कितना किया, राइट? हम केवल मॉनिटरी वैल्यूज के ऊपर ही फोकस करते हैं। अगर मॉनिटरी वैल्यू है तो रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यानी कि भावनाओं की कोई कद्र नहीं है, ठीक है ना? क्वालिटी नो मैटर्स एट ऑल, क्वालिटी नो मैटर्स एट ऑल, क्वालिटी का कुछ भी लेना देना नहीं है। कितनी अच्छी बात है। तो बेटा एट द एंड आप भी जो स्टडी कर रहे हैं, एट द एंड आप भी क्या एक्सपेक्ट करेंगे अपनी लाइफ से? सर मॉनिटरी वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, यस और नो बेटा? यस और नो, जल्दी बताइए। यस सर। यस, देखो सबसे पहले हिमांशु मोदी ने कहा यस सर, मतलब अंदर बहुत सारे या तो टारगेट्स हैं आपके बेटा, आई थिंक, राइट? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा दिख रहा है स्क्रीन पे, बताइए बेटा कॉन्सेप्ट, जल्दी बताइए। यस, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। अब देखिए एंशिएंट टाइम्स की बात की जाए, अगर पुराने टाइम्स की बात की जाए तो वहां पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना एक इंपॉर्टेंट टास्क नहीं था। प्रॉफिट कैलकुलेशन वॉज नॉट द इम्पॉर्टेंट टास्क, इसकी कोई कद्र नहीं थी क्योंकि कॉम्पिटिशन ही नहीं था। जब कॉम्पिटिशन ही नहीं है तो प्रॉफिट निकाल के क्या करेंगे भाई? सिंपल, थोड़ा बहुत अकाउंट्स मेंटेन किया, पता लगाया, हिसाब रजिस्टर में मेंटेन किया, फिर धीरे धीरे चेंज आया, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ मार्केट में और प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि आखिर किसी भी बिजनेस के अंदर अगर प्रॉफिट का जजमेंट करना है कि कितना प्रॉफिट जज किया, कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया, ये कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं? तो उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट बना। कौन सा एक्ट बना बच्चों, कौन सा लॉ बना, कौन सा बताइए? इनकम टैक्स का एक्ट बना, दैट पूरे इंडिया के अंदर आपको आफ्टर अ टाइम गैप ऑफ एवरी 12 मंथ्स आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, आफ्टर अ टाइम गैप ऑफ एवरी 12 मंथ्स। मतलब हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, यानी कि अब हर एक 12 महीने के बाद आपको अपने फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड, एवरी 12 मंथ्स के गैप से, आफ्टर अ टाइम गैप ऑफ एवरी 12 मंथ्स। और इसके लिए इंडिया में फाइनेंशियल ईयर बनाया गया, फाइनेंशियल ईयर का आविष्कार किया गया। अभी कोई आविष्कार, कोई साइंस का वो नहीं है बेटा, डिसाइड किया गया फाइनेंशियल ईयर। और क्या है टाइम पीरियड फाइनेंशियल, बताइए आप सभी बेटा। फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च। वेरी गुड बेटा। फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च बेटा। अब एक और बात सुनिए, अभी अभी मैंने बात की थी कि इस चैप्टर के अंदर एक वर्ड यूज होता है गैप, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर इसका क्या मीनिंग है? मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड बेटा, एंटायर वर्ल्ड में हर एक 12 महीने के बाद बिजनेस के अंदर अकाउंट्स मेंटेन करने ही करने, लेकिन हमारी कंट्री में फाइनेंशियल ईयर, जिसे हम अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं, ये कौन सा है बताइए? अप्रैल टू मार्च, राइट बेटा? बट कुछ कंट्रीज में ये नहीं है, कुछ कंट्रीज में अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर कौन सा बता सकते हैं आप? एनी गेसेस? January 31st। वेरी गुड बेटा, वेरी सिंपल सर। कुछ कंट्रीज कैलेंडर ईयर कोई अपना फाइनेंशियल ईयर मान लेती है, बट हम इंडिया में क्या करते हैं, फाइनेंशियल ईयर हमारा है 1st अप्रैल टू 31st मार्च। सर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक बात कितनी अच्छी है, सिमिलैरिटी कितनी अच्छी है, दैट आफ्टर अ टाइम गैप ऑफ एवरी 12 मंथ्स वी हैव टू प्रिपेयर आवर फाइनल अकाउंट्स। बात खत्म। कितना इजी है बेटा ये, कितना इजी है। अब मेरा ये सजेशन है, जो ये बच्चा क्लास पहली बार अटेंड कर रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, मेरा पर्सनल सजेशन है बच्चों, 1 घंटा और दे दो, 1 आवर और दे देना इस दिन भर में, अपनी चॉइस के हिसाब से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का वीडियो मैं ग्रुप में भी वापस से सेंड कर दूंगा। 1 दिन के अंदर टॉपिक खत्म। फिर एक जजमेंट टेस्ट है, वो भी मुझसे ले लेना पर्सनली, बहुत क्रिएटिव मजेदार टेस्ट।
उसके करने के बाद आप कह सकते हैं यस सर मजा आ गया, हमने एक दो घंटे लगाए एक दिन के और एक चैप्टर बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया। आइए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट कौन सा दिख रहा है जल्दी बताइए, नेक्स्ट कौन सा दिख रहा है? Going concern concept. आपने सुना है वर्ड आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, वी आर गोइंग, चल रहे हैं, आई एम गोइंग, मैं चल रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं हम इसे इंग्लिश में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट दो बातें एक्सप्लेन करता है आपको बेटा, कितनी बातें एक्सप्लेन करता है? दो बातें। पहली बात दैट अ फेयर बिजनेस रिमेन्स कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। एक फेयर बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और क्या ये सच नहीं है? आप में से हैंड रेस करें, कितने बच्चे बिजनेस फैमिली से हैं? जल्दी से हैंड रेस करें। गुड गुड वेरी गुड, जल्दी। और कोई है? जल्दी जल्दी जल्दी, वी डोंट हैव टाइम। चलिए मैं रैंडमली एक बच्चे से बात करता हूं। मुरली आपके पेरेंट्स का बिजनेस कितने ईयर से चल रहा है? एनी आइडिया? डू यू नो दैट? 80 साल। देखो कि 80 साल, किसने बोला 80 साल? सर मैंने। क्या बात है बेटा, क्या बात है, 80 साल। इस बच्चे से पार्टी लेंगे हम सब, 80 इयर्स से इसका बिजनेस चल रहा है, वी शुड टेक पार्टी फ्रॉम हिम भाई। 80 साल से इसका बिजनेस, इसका मतलब इसकी फैमिली का बिजनेस चल रहा है 80 इयर्स। दैट्स सो गुड बेटा, वेरी गुड। यानी कि कौन सा कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं आपके पेरेंट्स, बताओ बेटा कौन सा कंसेप्ट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए आप सभी ने, वेरी गुड बेटा, हैंड डाउन कर लीजिए, वेरी गुड, अच्छी बात है। जो बिजनेस फैमिली से, आपके लिए अकाउंट समझना सबसे ईजी है बेटा, और सभी के लिए ईजी है। अब मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो इजी लगी, अब दूसरी बात मेरी हो सकता है आपको थोड़ी सी टेंशन वाली लगे, बट कोशिश करना समझने की। जिस प्रकार एक फेयर बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है, राइट, लॉन्ग टर्म तक, ऑन द सेम बेसिस हम ये कहते हैं कि अगर आपने फिक्स्ड असेट्स परचेज की है, इफ वी हैव परचेज्ड फिक्स्ड असेट्स, मेहरबानी करके इसे एक्सपेंस मत मानो, ये आपका एक्सपेंस नहीं हो सकता, बिकॉज ये भी लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी। यस ओ नो बेटा? यस ओ नो, चलती रहेगी ना लॉन्ग टर्म तक। जिस प्रकार एक फेयर बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, इन द सेम मैनर अगर आपने फिक्स असेट परचेज की है, प्लीज इसे एक्सपेंस मत मानो, ये भी लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। सिंपल। तो अगर आपके घर में किसी ने आपके घर में कार परचेज की है, 2-व्हीलर 3-व्हीलर कुछ भी, टीवी फ्रिज, और आपके पेरेंट्स का एक खर्चा हो गया, आप उन्हें कह सकते हो प्लीज इसे एक्सपेंस मत मानना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट्स देगा आपको, इसको आप एक्सपेंस नहीं मान सकते। जिस आईपैड से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिस कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कितना पुराना है? हो सकता है 5-6 years पुराना, लेकिन आज भी ये काम कर रहा है। एक्सपेंस की वैलिडिटी 1 year होती है, ये अकाउंटिंग टर्म्स में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों अकाउंटिंग टर्म्स की वैल्यू, सॉरी एक्सपेंस की वैलिडिटी 1 year होती है, आप उसे मत मानिए प्लीज। क्या मत मानिए? एक्सपेंस मत, वो असेट मत मानिए। अगर आपने स्कूल को फीस दी, वो आपका एक्सपेंस है, उसकी वैलिडिटी 1 year है, नेक्स्ट ईयर नई कहानी स्टार्ट। लेकिन अगर आप स्कूल आने के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको गाड़ी दिलाई है, स्कूटी एक्टिवा बाइक, वो एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। इज इट ओके? तो अगर फिक्स असेट परचेज की है तो वो भी लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी, उसे एक्सपेंस मत मानो। बट डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज ऑन इट एवरी ईयर, बट आप अपनी फिक्स असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। सर अब डेप्रिसिएशन क्या है? अकाउंटिंग टर्म्स में हमने बच्चों को पढ़ाया था, फॉल और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट की वैल्यू में जो हर साल डाउनफॉल आता है। भाई एक बात बताओ, आप में से रिसेंटली किसी ने कोई फिक्स्ड असेट खरीदी है क्या? जल्दी से बताइए बेटा, हैंड रेज कीजिए बेटा, किसी ने खरीदी है फिक्स्ड असेट? किसी ने नहीं खरीदी, बहुत अच्छी बात है। यस कीर्ति बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। यस कीर्ति, सर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन खरीदा है, ठीक है, ये भी एक फिक्स असेट है। बट नेक्स्ट ईयर आप कह रहे हो नहीं सर अब ऑनलाइन तो खत्म हो गया, मैं इसको सेल करना चाहती हूँ, क्या उतने पैसे मिल जाएंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? बिकॉज़ इसके ऊपर क्या लग जाएगा?
डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग टर्म है. यस म्यूट कर सकते हो बेटा, वेरी गुड. यानी कि हम हमारे पेरेंट्स को और कितने पुराने जनों को नहीं पता कि जो वैल्यू डाउन होती है वो क्यों होती है, क्योंकि हमने यूज किया. टेक्निकल चेंजेस भी आते हैं, बहुत सारे रीजन है. पूरा चैप्टर है डेप्रिसिएशन आपकी 11th अकाउंट्स में, और लेंथी चैप्टर है बेटा. डेप्रिसिएशन फिक्स असेट की वैल्यू में जो गिरावट आती है बिकॉज आपने यूज किया. बिकॉज हर एक फिक्स असेट की टाइम होता है, लाइफ टाइम होता है, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर चलता रहेगा. हर साल जो वैल्यू में डाउनफॉल होता है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन. डैप आप लगा सकते हो. एक लास्ट स्टेटमेंट जो गोइंग कंसर्न में बचा है, गोइंग कंसर्न इसी जो आपने अभी सीखा इसी के बारे में कुछ और डिफाइन करता है आपको, कि मेहरबानी करके अगर आपके बिजनेस के अंदर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है, प्लीज इन दोनों को मिक्स मत कीजिए. कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि फिक्स असेट, इसे आप कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट की असेट में. आप इसे एक्सपेंस नहीं मान सकते. वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप असेट नहीं मान सकते, क्योंकि ये आपके लिए क्या है? एक्सपेंस हर साल होता रहता है. स्कूल को फीस दी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. घर का बिजली का बिल भरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बुक परचेज की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हालांकि डायलॉग में हम कहते हैं बुक हमारी एक परमानेंट असेट है और दी बेस्ट असेट है, बट फिर भी बेटा हर साल बुक्स परचेज कर रहे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. आपको इन दोनों को अलग अलग मानना होगा, आप इन्हें मिक्स नहीं कर सकते. समझ रहे मेरी बात? अगर मैं स्कूल का ऑनर हूं, मैंने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दिया, बताओ कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा, हर साल हर महीने देना होता है. लेकिन स्कूल ने 50 कंप्यूटर खरीदे, कौन सा एक्सपेंडिचर बोलो? कैपिटल एक्सपेंडिचर. और दोनों को मेहरबानी करके अलग अलग शो करना है. प्लीज दोनों को एक साथ मत दिखाना. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां आएगा बेटा? कहां आएगा? एक्सपेंडिचर. अब ये इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ना, आप अगर ये चीज समझ गए तो आप कहेंगे सर गोइंग कंसर्न दी बेस्ट है सर, ये रियल लाइफ का है सर. ऑसम, आइए आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है, जल्दी से बताइए बच्चों क्या दिख रहा है. यस कन्वेंशन ऑफ पुल थ्योरिटिकल है, इतना ज्यादा काम का नहीं, बट आना चाहिए आपको. फुल डिस्क्लोजर कहता है दैट अ बिजनेस शुड डिस्क्लोज ऑल द इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सर क्या है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स? मतलब हमें अपने अकाउंट्स मेंटेन करते समय सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसे शो करना चाहिए. किसके अंदर? अकाउंट्स में. हमें कुछ छुपाना नहीं चाहिए बेटा, हमें जो भी चीज है सब कुछ शो करना चाहिए. ठीक है, जितना भी परचेज किया, सेल्स किया. सर क्यों करना चाहिए? व्हाट इज द रीजन? ये आपको मंडे को और भी डिटेल में पता चलने वाला है. मंडे को हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले 2 दिन के अंदर अंदर खत्म करना है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. वहां आप पढ़ेंगे कि बिजनेस के अंदर बहुत सारे यूजर्स होते हैं, बहुत सारे यूजर्स जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे कि डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कस्टमर हैं, गवर्नमेंट है, बैंक है. बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं. बैंक भी रिलेट करता है, क्योंकि अगर हमें बैंक से लोन चाहिए तो बैंक हमारे बिजनेस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखना चाहेगा कि डिस्क्लोज करते नहीं करते, हमने कितना पैसा कमाया. हमारे क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट पीछे पड़ी रहती है कि बताइए भाई पता लगाओ ये जो फेमस बीका जी है इन्होंने साल में कितना पैसा कमाया और क्या अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. बहुत सारे लोग हमसे रिलेट करते हैं, बिल्कुल रिलेट करते हैं. आप सोचिए बहुत बड़ी कंपनी है एयरटेल, बहुत बड़ी कंपनी है जियो. अगर आपके पेरेंट्स ने जियो में पैसा लगाया, क्या वो नहीं जानना चाहेंगे कि जियो का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा चल रहा है? वो कैसे पता चलेगा? जब जियो कंपनी ऑनलाइन अपना सारा डेटा डिस्क्लोज करेगी. क्या करेगी? सारा डेटा डिस्क्लोज. लेकिन एक खास बात, इट डजंट मीन दैट वी आर
leaking the secrets of the business. इसका मतलब ये नहीं है कि हम secrets disclose कर रहे हैं. अरे भाई एक बात बताओ, अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया, आपने टाटा कंपनी में पैसा लगाया, लो बात करते हैं एक बच्चे से, शुभांगी से. शुभांगी जल्दी से अनम्यूट करो बेटा. यस शुभांगी. यस बेटा. गुड मॉर्निंग बेटा. अगर आपने जियो कंपनी में, टाटा कंपनी में, आपने एशियन पेंट में पैसा लगाया और आपने ज्यादा नहीं शेयर्स खरीदे थे, कितने रुपीस के, 50,000 रुपीस के, क्या आप नहीं जानना चाहोगे एक दो साल बाद या कुछ महीने बाद कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है? बताओ बेटा. यस सर. कैसे पता चलेगा? जब कंपनी ऑनलाइन अपना डेटा क्या करेगी, डिस्क्लोज करेगी, और करती है. किसी को डाउट है क्या? रिजल्ट, रिजल्ट, क्वार्टर 1 रिजल्ट, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टरली करना पड़ता है. अनम्यूट, म्यूट कर लो बेटा. शुभांगी वेरी गुड. देखिए सुनिए, अगर किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं, कंपनी में पैसा कौन लगाता है? मेन शेयर होल्डर्स. ये बिजनेस स्टडीज के अंदर भी आप पढ़ेंगे. अब कंपनी घर घर फोन करके तो नहीं बताएगी ना, गजल हमारी कंपनी का शेयर का रेट ये चल रहा है, लक्ष्य लक्ष्य यार सॉरी कंपनी का रेट अच्छा नहीं चल रहा. अरे इतने बड़े करोड़ों शेयर्स की कंपनी होती है, मतलब करोड़ों रुपए होते हैं, कंपनी क्या करेगी? ऑनलाइन अपना डेटा डिस्क्लोज करेगी. आप चाहो तो अभी भी क्लास के बाद चेक कर सकते हो फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एनी कंपनी. यू विल इजीली कम टू नो ऑन दी वेबसाइट. कितना इजी है बेटा, कंपनी ऐसी तो काम करती है. और इसका मतलब, डिस्क्लोज करने का मतलब ये नहीं है कि हम सीक्रेट्स डिस्क्लोज कर रहे हैं. नॉट एट ऑल पॉसिबल. हम ये थोड़ी ना बता रहे कि हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट कितना अच्छे से करते हैं, उन्हें हम दोपहर का लंच प्रोवाइड करते हैं ऑफिस में. कई कंपनीज करती है कंपनी के अंदर ही कि आप घर मत जाओ या घर से लेके आओगे लंच, आपको मजा नहीं आएगा, ठंडा हो जाएगा एंड ऑल. कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. बिरला ग्रुप तो कई बार लिविंग मतलब रहने के लिए रेजिडेंस भी प्रोवाइड करता है कि आप विद फैमिली यहीं रहे. और बिरला की स्कूल्स भी है बेटा, आदित्य बिरला और के कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने स्कूल्स का भी सेटअप कर रखा है, सोसाइटी बना रखी है कि हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज इनके बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाना है. और दी बेस्ट, ऐसा भी नहीं कि लोकल स्कूल, यू कैन नॉट से दैट. इससे होगा क्या, एम्प्लॉयज कंपनी के साथ परमानेंट अटैच हो जाएगा, फुल एफिशिएंसी के साथ काम करेगा. कितनी अच्छी बात है, सोचिए, वन ऑफ द बेस्ट थिंग है बेटा ये, राइट. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्या नहीं है, कि हम अपना डेटा डिस्क्लोज कर रहे हैं. हम काम करने का मेथोडोलॉजी थोड़ी ना बताएंगे कि हम, अगर बीका जी ये थोड़ी ना डिस्क्लोज करेगा कि देखो हम भुजिया कैसे बनाते हैं, हम स्नैक्स कैसे बनाते हैं, कुरकुरे कैसे बनाते हैं, ये कोई भी कंपनी डिस्क्लोज करने वाली नहीं है. अगर आप इसका वीडियो देखेंगे आपको 2% नॉलेज एक्स्ट्रा मिलेगी, कम नहीं मिलेगी, डोंट वरी. नेक्स्ट देखिए बेटा जल्दी से क्या लिखा है बताइए. कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, मतलब ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स शुड बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब डिस्क्लोजर जैसा ही लगता है थोड़ा सा, बट है नहीं बेटा. इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट्स का मतलब क्या है? अगर आपके बिजनेस में कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल करेक्टर की है, राइट, जिसका नेचर फाइनेंशियली है, राइट, दैट शुड बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इज इट क्लियर? सर समझ नहीं आई बात. देखिए अगर एक आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और यहां पर अगर मान लीजिए 100 रुपीज का कुछ बैलेंस या हिसाब किताब मैच नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा बेटा, बैलेंस मिसमैच हो रहा है, या 100 रुपीज का कुछ छोटा सा स्टॉक का बैलेंस नहीं मिल रहा, मिसमैच हो रहा है. अब बिजनेसमैन कहेगा, अकाउंटेंट कहेगा, इग्नोर करो, 100 रुपीज के पीछे थोड़ी ना पड़े रहेंगे, छोटी मोटी चीजें जो वैल्यू नहीं रखती, जो इंपॉर्टेंस नहीं रखती, यानी कि मटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंस. अगर इंपॉर्टेंस है तो उसे दिखाइए, और इंपॉर्टेंस नहीं है बिजनेस के अंदर, अगर हम वो ना दिखाएं तो वो इल्लीगल नहीं है, उसे मत दिखाओ. अच्छा मुझे एक बात बताइए जल्दी से, अगर मेरी पॉकेट से 100 रुपीज चोरी हो गए, मेरी पॉकेट से, आपके टीचर की पॉकेट से, क्या ये वैल्यू रखता है आपके हिसाब से? यस और नो? अब अगर मैं अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूं, अच्छा एक बात बताइए, ऐसा कभी होता है ना बेटा, आपने आज तक किया होगा ना, चौक घर पे ले गए होंगे, ले जाते हैं ना बच्चे कई बार, खाने की भी आदत होती है. यस और नो जल्दी बताओ बेटा, यस और नो, यस और नो, बी ऑनेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी,
देखो होता है ऐसा. दैट्स गुड दैट्स गुड. अब मुझे एक बात बताओ, स्कूल में एक चॉक का बॉक्स गायब हो गया, अब क्या स्कूल इसको अकाउंट्स में दिखाएगा? लॉस बाय थेफ्ट ब्रैकेट में स्टूडेंट्स, वन चॉक का बॉक्स ₹50 का, क्या ये इंपॉर्टेंस रखता है स्कूल के लिए? नो सर. नो सर. तो अगर स्कूल नहीं दिखा रहा तो इलीगल तो नहीं है ना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा, ₹50 का ट्रांजेक्शन क्यों नहीं दिखाया सर, कैसा मजाक कर रहे हैं. लेकिन एक बात बताइए, किससे बात करें? हम बात करते हैं लक्ष्य से. लक्ष्य बात करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो मैं घर आ जाऊंगा. लक्ष्य आपका एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है जिसमें 5 बच्चे पढ़ने आते हैं. सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूं, और यहां पर आप इनसे ₹100 पर मंथ लेते हैं, छोटे बच्चों को आप पढ़ाते हैं, और एक चौक का बॉक्स जो ₹50 का है चोरी हो गया था. लक्ष्य आप इसे अकाउंट्स में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? क्या लगता है लक्ष्य, बताओ बेटा, बोलो जल्दी बोलो बेटा, यस और नो? यस और नो? दिखाएंगे, क्योंकि छोटा सा एक संस्थान, छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन, और लॉस हो गया, एक चौक का बॉक्स खो गया ₹50 का, वैल्यू रखता है. सो इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस रखता है दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे. बेटा जितना अभी तक किया है कंप्लीट करना, टाइम एंड हो रहा है. नेक्स्ट विद इन 1 or 2 days वापिस एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे और रिमेनिंग टर्म्स कंप्लीट कराऊंगा, मेरा प्रॉमिस. और अभी मैं वीडियो भी इसका सेंड कर रहा हूं, प्लीज पूरा कंप्लीट करना है हमें. राइट बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय. प्लीज मेरा वीडियो जरूर चेक करना, बहुत मेहनत करके लास्ट ईयर बनाया था आप.